नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, अनुपात समानुपात अपना चल रहा है, सीधा मैं टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। अनुपात समानुपात अपना चल रहा है जिसमें आनुपातिक विभाजन पर अपनी बातचीत चल रही है। अभी आगे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाना है। देखिए, कोई धन ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी का 80% मिले, सी का 30% बी के 40% के समान हो एवं डी को सी का 2 गुना मिले। इस प्रकार डी को ए से 56,000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। जब आप सवाल को सुन रहे हो तो आपको यूँ लग रहा होगा कि ये तो बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और घुमाया हुआ सवाल है। फिर मित्रों, अपन सॉल्व करेंगे। अभी आप देखोगे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है। देखिए, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ए बी और सी। मैं इस प्रकार धन बांटा गया, किस प्रकार बांटा गया, धन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिस वे में हुआ है उसके संदर्भ में बोला है कि ए को बी का 80% मिले। मित्रों समझ लो आप, ये कौन है ए, ये कौन है बी। ए को कितना मिले? बी है ना, हाँ जी, उसका 80%। ओके, बी अगर अपने आप में 100% है तो उसका 80% यानी कि 80। ये सुनो, ए को बी का 80% मिलना चाहिए, यानी बी को अगर 100 मिलता है तो उसका 80% यानी 80 ए को मिलना चाहिए। 20 से कट गया 4 बार और 20 से कट गया 5 बार, 4:5। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों, वो धन ए और बी में किस प्रकार से बटा होना चाहिए? ए को जब 4 इकाई मिलता है तो बी को मिलना चाहिए 5 इकाई, इस प्रकार से वो धन का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ओके, आगे लिखा है सी का 30% बराबर बी का 40% हो। प्यारे मित्रों, ये बी और ये सी, सी का 30% बी के 40% के बराबर हो, मतलब सी का जो 30%, ये सी है ना, सी का 30% दैट इज इक्वल टू द 40% ऑफ बी। यस और नो? 0% 0% कैंसिल हो गया। आप जानते हैं कि बीच में बराबर हैं, अगर दो ही अमाउंट हैं तो उनको जब क्रॉस करते हैं तो वो अनुपात में कन्वर्ट हो जाते हैं। 3 आ जाएगा इधर और 4 चला जाएगा इधर। अब देखिए रेशियो क्या है, 3:4, ये किसका रेशियो है? ये रेशियो बी और सी का है। क्लियर? मतलब बी को जब 3 इकाई धन मिलेगा तब सी को मिलना चाहिए 4 इकाई। क्लियर? अब प्यारे मित्रों आगे देखिए, डी को सी का 2 गुना धन मिले। अच्छा, डी को कितना मिलना चाहिए? सी का 2 गुना। चलिए, तो प्यारे मित्रों सी और डी के संदर्भ में भी अलग रिलेशन दिया है, ये सी और ये डी। क्लियर? डी को सी का 2 गुना मिलना चाहिए, मतलब सी को अगर 1 इकाई मिलता है तो डी को मिलना चाहिए 2 इकाई। डी को सी का 2 गुना, देखो लिखा हुआ डी को सी का 2 गुना धन मिलना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, ये जो धन बांटा जाना है वो 4 लोगों में बांटा जाना है, ए में, बी में, सी में और डी में। ये सुनो, और ए बी का रिलेशन ये है कि ए को जब 4 इकाई मिले तब बी को 5 इकाई मिले। बी सी का रिलेशन ये है कि बी को जब 3 इकाई मिले तब सी को 4 इकाई मिले। सी और डी का रिलेशन ये है कि जब सी को 1 इकाई मिले तब डी को कितना मिलना चाहिए? 2 इकाई मिलना चाहिए। क्लियर? अब आपको क्या करना है, एक साथ ए बी सी और डी का रिलेशन लाना है। यहाँ पर रिलेशन अलग अलग है, ए बी का अलग है, बी सी का अलग है और सी डी का अलग है। आपको एक साथ ए बी सी डी का रिलेशन लाना है तो आप कैसे लिखेंगे बोलो? क्या ए फिर बी आगे सी और डी। क्लियर? बोलो ए कितना? 4, तब बी कितना? 5, और बी कितना? 3, तब सी कितना? 4, और सी कितना? 1, तब डी कितना? 2। क्लियर? ये अब एक साथ रिलेशन आने वाला है, किसका? ए बी सी और डी का, ए बी बी सी सी और डी। अब साथियों आप जानते हैं कि ये प्लॉट खाली है, ये प्लॉट खाली है, 4 के पास में ये प्लॉट खाली है, 3 के आगे ये प्लॉट खाली है, 1 के आगे ये प्लॉट खाली है और ये प्लॉट खाली है। आप इस संदर्भ में जानते हैं कि किसी भी अमाउंट के आगे या पीछे अगर कोई प्लॉट खाली है तो वो प्लॉट उसी अमाउंट का है। क्लियर है? पर मतलब ये 5 के पीछे प्लॉट खाली है तो 5 का ही है, उससे पीछे वाला भी 5 का ही है, 4 के पीछे प्लॉट खाली है तो 4 का है, 3 के आगे प्लॉट खाली है तो 3 का है,
एक के आगे जो प्लॉट खाली है वो सारे एक के ही है, ये सुनो, चार तिया बारह, बारह एकम बारह, नजर आ रहा आपको? यस। पांच तिया पंद्रह और पंद्रह एकम पंद्रह, पांच सौ बीस और बीस एकम बीस, पांच सौ बीस और बीस दूनी चालीस। साथियों अब ये अनुपात आ गया बारह अनुपात पंद्रह, बीस और चालीस, क्या ये आगे कट सकता है? ये कटने की कंडीशन में नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? अब काटना ही नहीं है, ये जो रेशियो है वो फाइनल रेशियो है। मतलब ए को जब 12 रुपए मिलते हैं तब बी को 15, सी को 20 और डी को 40 मिलने चाहिए। और प्यारे मित्रों ये तो केवल इकाई में धन है, ए बी सी डी को जो धन मिलता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए इकाई में, यहाँ पे अपन को प्राप्त हो चुका है। क्लियर? अब प्यारे मित्रों रुपयों की बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार डी को ए से 56,000 अधिक रुपए मिलते हैं, डी को ए से 56,000 अधिक मिलते हैं। ये कौन है? डी। ये कौन है? ए। बताओ ए को 12 इकाई मिलते हैं और डी को कितने मिलते हैं? 40 इकाई। तो डी की इकाई ए से कितनी अधिक है, यानी कि 40 12 से कितना अधिक है? 40 जो है वो 12 से 28 इकाई अधिक है। तो अपन लिखेंगे डी ए से अधिक, आप जानते हैं कि 28 इकाई अधिक है, कितना? 28 इकाई। प्यारे मित्रों डी का अमाउंट ए से 28 इकाई ज्यादा है और वो रुपयों में कितना ज्यादा है? 56,000। अरे क्या मिल गया आपको? सुराग मिल गया। यस नो? क्या मिल गया? सुराग मिल गया। ये सुराग ये बताता है कि इस पूरे मसले में 28 इकाई का वैल्यू 56,000 है। क्लियर? अपन को आगे बढ़ना है। देखिए इसने पूछा प्रत्येक की आय ज्ञात करो, चलो अपन लिखते हैं ए की आय कैसे करोगे, 56,000 में दिया 28 का भाग गुणा किया, ए की आय 12 इकाई है, गुणा कर दिया 12 से, तो 28 का भाग इसमें गया 2000 बार, 12 दूनी 24,000। यह सुनो, क्लियर? प्यारे मित्रों अपन बात करते हैं बी की, बताओ बी की आय क्या होगी? बी की आय 15 इकाई है, तो वही 56,000 में दिया 28 का भाग, क्योंकि 28 इकाई का मान 56,000 है तो एक इकाई का मान कैसे आएगा? 56,000 में 28 का भाग देंगे तभी तो आएगा, और गुणा कर दिया बी का अमाउंट तो 15 इकाई से, तो ये आपका हो गया 30,000। ये सुनो, क्लियर है? ठीक है। अब प्यारे मित्रों बात करते हैं सी के अमाउंट की। अब आप जानते हैं 28 इकाई का मान 56,000 है और सी की आय कितनी है? 20 इकाई। तो 56,000 में दिया 28 का भाग गुणा किया 20 से, यही आपका 40,000। क्लियर? अब बात करते हैं डी की आय। साथियों डी की आय 40 इकाई है ना, तो कैसे लाओगे? 28 इकाई का मान 56,000 है, 56,000 में दिया 28 का भाग गुणा किया, 56,000 में 28 का भाग क्यों दिया? क्योंकि एक इकाई का मान लाने के लिए 28 इकाई का मान 56,000 है, तो 56,000 में 28 का भाग दोगे एक इकाई का मान आएगा, और गुणा कर दिया 40 से, तो ये आ गया आपके 80,000। क्लियर? तो प्यारे साथियों इस प्रकार की स्थिति है। चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की स्थिति है और आप इसको एक बार वापस देख लें। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट बस आपको ये पता रखना है कि क्लू कैसे मिलता है। जैसे यहाँ पे क्लू क्या मिला कि 28 यूनिट्स दैट इज इक्वल टू 56,000, बस आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। ये सुनो, चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 1,050 रुपये को पी क्यू व आर के बीच बांटा गया, कितने बांटे हैं? 1,050 रुपये कैसे बांटे हैं? इस प्रकार बांटा गया कि यदि पी का भाग क्यू प्लस आर के संयुक्त भाग का 2/5, पी को कितना मिला, क्यू और आर को जितना मिला करके मिलता है उसका 2/5 भाग मिला, पी का भाग बताओ। मित्रों देखो पी का हिस्सा क्यू प्लस आर मतलब क्यू व आर के संयुक्त भाग का 2/5 है, इसका मतलब ये हुआ क्यू और आर का मिला करके भाग कितना है? 5। तो पी का भाग कितना है? 2। क्लियर है? ठीक है। अब अपन को डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है तो ऐसे लिखना है, ये तो पी है और ये है क्यू प्लस आर मिला करके, है ना?
तो प्यारे साथियों पी का हिस्सा तो होना चाहिए दो, क्या होना चाहिए दो अनुपात क्यू प्लस आर का हिस्सा होना चाहिए पांच। यह सुनो, आपको पता है ना कि भिन्न के पास है का और का संबंध जिससे होता है वो हर होता है, तो क्यू व आर पांच हो गया। क्लियर? ओके okay. अच्छा ऐसा क्यों होता है? तो वो अपने देखो शुरू में इक्वेशन बना करके बताया था कि ये ट्रांसफर हो जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, तो बटे में जो हर होगा वो उनका वैल्यू हो जाएगा। यह सुनो साथियों, पी का हिस्सा हो गया दो व क्यू व आर का हिस्सा हो गया पांच। ओके तो क्यू प्लस आर को पांच मिलेंगे तो पी को दो मिलेंगे, तो बताओ तीनों को मिला करके कितने मिल गए? तो तीनों को मिला करके हो गए पी के तो हो गए दो, क्यू और आर के पांच, दो और पांच सात इकाई। यह सुनो, तो P, Q और R इनके मिला करके पांच और दो सात इकाई धन टोटल बनता है, और टोटल धन इसने बोला है वो 1050 है। अरे क्या मिल गया? सुराग मिल गया आपको, बोलो हाँ या ना। ये सुनो बिल्कुल, सात इकाई का वैल्यू है 1050। क्लियर? आपको पूछा है P का भाग, बताओ मतलब P का भाग कितना है? दो इकाई। तो आप क्या करोगे, सात इकाई का वैल्यू 1050 है, 1050 में दिया सात का भाग, 1050 में सात का भाग दिया तो एक इकाई का वैल्यू आया। अब आपने गुणा कर दिया दो से, दो से गुणा कर दिया तो पी का मान आ गया, इससे काट दो ये कितना हो गया, ये सात एकम सात और तीन पाँच सातों पंजे पैंतीस, 150 × 300 ₹300 प्यारे मित्रों किसका हिस्सा हो गया? पी का हिस्सा हो गया। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों आप कहोगे कि सर Q और R में से इनको कितना कितना मिला, Q को कितना मिला, R को कितना मिला? तो प्यारे मित्रों Q और R का संयुक्त हिस्सा दे रखा है वो है पांच, मतलब Q और R को मिलाकर के पांच इकाई धन मिलता है। तो अपन इनको अलग अलग नहीं कर सकते कि Q को कितना मिला या R को कितना मिला, केवल अपन P का यहां पर ज्ञात कर सकते हैं, और Q और R की बात करें तो इनका संयुक्त रूप से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1050 है वो सात इकाई के बराबर है, Q और R का पांच इकाई हिस्सा है, 1050 में दिया सात का भाग, एक इकाई का वैल्यू आया, गुणा किया पांच से, पांच इकाई का वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा 750। या फिर ऐसे देख लो, 1000 में से 300 घटा लो, 1050 में से 300 घटा लो, 750 हो गए। ये सुनो, तो इस प्रकार से पी का ज्ञात किया जा सकता है, क्यू व आर का संयुक्त रूप से तो ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन दोनों का अलग अलग पॉसिबल नहीं है ज्ञात करना। क्यों? क्योंकि पांच इकाई में पता नहीं क्यू का एक इकाई है कि दो इकाई है कि तीन इकाई है कि चार इकाई है, और कितना आर का है इस पांच में पता नहीं अपन को। इसलिए मतलब इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए तो साथियों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है मेरे साथियों, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब मतलब सवाल को बड़ा तसल्ली से पढ़ना है और फिर अपन सॉल्व करते हैं। आपको थोड़ा सा ये उठपटांग लगेगा क्वेश्चन। देखो, कोई राशि, पता नहीं वो राशि क्या है, बट कोई राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को कुल राशि का 1/16 भाग मिले। ए को कितना मिलना चाहिए टोटल राशि का 1/16 भाग, वह बी को कुल राशि का 1/4 भाग मिले। बी को मिलना चाहिए टोटल राशि का 1/4, 1/4 भाग मिले। बाकी सी को मिलना चाहिए, लिखा है यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। ए बी सी में एक राशि बांटी गई है, ए को टोटल राशि का 1/16 भाग मिलता है, बी को टोटल राशि का 1/4 भाग मिलता है, शेष बचा वो सी को मिलता है, सी को 81 रुपये मिलते हैं, तो बताओ बी को कितने रुपए मिलते हैं? आपको भी सर ये तो यूं यूं घुमाया हुआ सवाल है, नहीं ऐसा नहीं है, अपने लिए बहुत आसान है क्योंकि अपन जो है बहुत ही शानदार पैटर्न से काम कर रहे हैं। मतलब देखो, ए को कुल राशि का 1/16 1/16 मिलना चाहिए। अच्छा तो प्यारे मित्रों 1/16 के नज़दीक कौन है? कुल राशि। तो कुल राशि कितनी हो जानी है? 16 हो जानी है, कुल राशि 16 हो जानी है, और ए का हिस्सा कितना हो जाना है? 1। चलिए तो हमें एक तो रिलेशन पता चला, वो क्या कि कुल राशि जब 16 इकाई है
तो ए का हिस्सा उसमें कितना है, एक। चलो ये कौन है, पहले कुल राशि लिख दो आप, है ना, क्योंकि ये संबंध तो कुल राशि किसका, कुल राशि और ए का संबंध है। ये सुनो, कुल राशि और ए में क्या संबंध है कि कुल राशि जब 16 होती है तब ए को कितना मिलता है, एक मिलता है। यस और नो, क्लियर मित्रों? आगे की बात देखो, बी को कुल राशि का 1/4 मिलता है। देखो किसको, बी को कुल राशि का 1/4, यानी बी और कुल राशि में क्या रिलेशन है, समझ पा रहे हो? बी को कुल राशि का 1/4। मित्रों यहां पे अपने थोड़ा दिमाग लगा के काम कर सकते हैं तो अपना थोड़ा जो है श्रम बच सकता है, यानी थोड़ी अपनी मेहनत बच सकती है। कैसे, बी को टोटल राशि का 1/4 हिस्सा। अब आप टोटल राशि तो आप जानते हैं ना, इकाई के रूप में 16 है भाई, टोटल राशि तो आप जानते हैं कि इकाई के रूप में कितनी है, 16। इस 16 का 1/4, बोला ना बी को कुल राशि का 1/4, तो कुल राशि कितनी, 16। 16 का 1/4 यानी 16 का 1/4 हो गया 4। यस और नो प्यारे मित्रों? अब बच कौन गया, सी। अब सी की राशि कितनी होगी इकाई में, वो देखो। आपको पता चला कि कुल राशि तो है 16, ये तो कंफर्म है। यस, ए को कितना मिलता है, एक। बी को कितना मिलता है, 4। एक और 4 कितने हो गए, 5। तो सी को कितना मिलने वाला है बताओ, कितना मिलने वाला है? सुनो प्यारे मित्रों, देखो 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 देखो, ये कितना हो गया, 4 1 5 5 गए 16 में से, तो 11 मिलने वाले हैं, लेकिन 81 रुपये उसको मिले, कितने मिले, 81 रुपये। ठीक है, अब ये पॉइंटों में आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंटों में भी आ सकता, क्या दिक्कत है। तो बोलो ए को कितना मिला, 1, तब बी को कितना मिला, 4, और सी को कितना मिला, 11। यस सुनो, अब आगे क्या करें, तो देखो सुनो, टोटल राशि थी 16, 16 में से ए को मिला 1 और बी को मिला 4, तो बच 1 और 4 हो गया 5, 16 में से 5 ए और बी को मिलता है, तो 16 में से 5 घटा दो, सी को मिल गया 11। यस सुनो, इकाई के रूप में तो सी को 11 मिलता है, लेकिन रुपयों में क्या रखा है कि सी को 81 रुपये मिलते हैं, तो आपको क्या मिल गया, सुराग। सुराग क्या बोलता है कि साहब सी का जो धन है वो 11 इकाई है, दैट इज इक्वल टू 81 रुपीस। यस और नो, व्हाट यू गॉट, सुराग। पहले बताओ आपको मिल गया सुराग। अब आपको बी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो बताओ कैसे आएगा बी का हिस्सा। मित्रों बी का हिस्सा कितने इकाई है, 4 इकाई। 11 इकाई का मान है 81 रुपये, तो 4 इकाई का मान क्या होगा, आप 81 में 11 का भाग दे दो, 81 में 11 का भाग देने से 1 इकाई का मान आ जाएगा। अब गुणा कर दो 4 से, 4 * 4 = 8 = 32 बटे में 11, ये हो गया आपके 11 × 22, 22 और 10 बच गया, 10 * 4 = 104, 11 * 99, और 104 में से 99 को लेस कर दें तो पीछे बचता है 5 5/11 रुपये। मित्रों एक बार आप चेक कराना, आप खुद भी इसको एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन को। मित्रों ये आपके बी का हिस्सा हो गया, ये सुनो किसका हिस्सा हो गया, बी का धन हो गया। क्लियर, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनो ये SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर पहले मतलब अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सारे के सारे बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे गए सारे सवाल है, ठीक है। वो मैं पूरे सीक्वेंस में लेके आ रहा हूँ कि कौन से टाइप के बाद में क्या आना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे सवाल बहुत शानदार एग्जाम में पूछे गए सवाल है, SSC में पूछे गए हैं, इस प्रकार CSET में कहीं पूछे गए हैं, इस प्रकार से सवाल को पढ़ो। अब आपको खुद को करना है, ठीक है, समझना। कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में पी क्यू और आर में बांटी गई या बांटा गया किसी धनराशि को, ठीक है। पी व क्यू के भागों का योग आर के समान है, पी व क्यू के भागों का अंतर कितने रुपये हैं, यह SSC का क्वेश्चन है। पी क्यू और आर, मित्रों अनुपात देखो, पी क्यू और इनमें धन बांटा है 2:7:9 में। यस वो बोल रहा है कि
पी व क्यू के भागों का योग, पी और क्यू के भागों का योग आर के बराबर है। हाँ हमें भी दिख रहा है, पी और क्यू के भागों का जो योग है ना वो 2 और 7 9 इकाई है, और आर के बराबर है, आर का भी 9 इकाई है। बताओ क्यू के पी व क्यू के, देखो पी व क्यू के भागों का अंतर, पी और क्यू के भागों का अंतर कितने रुपये हैं, बताओ कैसे करोगे। फिर मतलब आपको रुपयों में पूछा है, देखो पी की आए 2 इकाई, क्यू की 7 इकाई और आर की हो गई 9 इकाई। अब रुपयों में आपको पूछा है तो सीधी सी बात है कि आपको सुराग तो चाहिए। आप प्रश्न में देखो कहीं पे रुपयों के संदर्भ में कोई चर्चा है क्या, तुम्हारे को पी के कोई रुपये दिए, क्यू के दिए, आर के दिए, इनका योग दिया, सबका योग दिया, इनका अंतर दिया, इनका अंतर दिया, इनका अंतर दिया, किसी का दिया नहीं दिया। तो प्यारे मित्रों तो हम सुराग कहाँ से लाएंगे, मतलब हम कैसे पता कर पाएंगे कि इतने इकाई की वैल्यू इतने रुपये होती हैं, तो वो पता नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे मित्रों हम कैसे कह सकते हैं कि पी और क्यू के भागों का अंतर इतने रुपये हैं, देखो इसने रुपयों में पूछा है, नहीं कह सकते। तो अपन लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर सूचना अपर्याप्त, आंकड़े अधूरे हैं। ये सुनो ये SSC का क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वो यही कि जब अपन को रुपयों में किसी इकाई को अपन समान नहीं कर सकते, यानी वो क्लू नहीं ढूंढ सकते, तो उसको ज्ञात कैसे करेंगे अमाउंट में। ये सुनो तो प्यार साथियों इस प्रकार की बातें, यहाँ पे सूचनाएँ अपर्याप्त हैं, आंकड़े अधूरे हैं, अपन जो है रुपयों में अंतर नहीं ला सकते पी और क्यू का, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे मित्रों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सुनो 53 रुपये, कितने रुपए हैं 53, 53 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A को B से 7 रुपये अधिक मिले, B को C से 8 रुपये अधिक मिले, उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। 53 रुपये आपको A, B और C में बांटने हैं, ABC में 53 रुपये बटने का जो अनुपात है वो क्या रहेगा, वो तो आपसे पूछा है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो अनुपात आना चाहिए वो तो आपसे पूछा है, लेकिन उससे पहले आपको ये दिया है कि किसको किससे कितने अधिक या कम मिलते हैं, क्लियर। तो उसी के आधार पे अपन बात करने वाले हैं साथियों। एक तो कौन व्यक्ति है, ए नाम, दूसरे का बी और तीसरा कौन है सी, यस और नो। प्यारे मित्रों 53 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, 7 रुपये, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, ए आपको बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। ए को कितने मिलते हैं नहीं पता, लेकिन बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। अपन पहुंचे बी के पास, बी आपको कितना धन मिलता है, बी ने कहा कि बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। इसने कहा मेरा धन मुझे भी नहीं पता, बट सी को जितने मिलते हैं उससे 8 रुपये मुझे ज़्यादा मिलते हैं। अपन पहुंचे सी के पास, अपन ने कहा सी तुम अपना धन बता दो ताकि हम इन सब का धन ज्ञात कर लें, सी आपको कितने रुपए मिलते हैं, सी ने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे कितने रुपए मिलते हैं। पहले मतलब तो सारे सब मना कर रहे हैं, मुझे वो बोल रहा है मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता, बस ये पता है कि उसको उससे इतने अधिक, उसको उससे इतने अधिक मिल रहे हैं। पहले मतलब नहीं पता, ए डिपेंड करता है बी पर, समझ गए ना, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, तो ए का राशि ज्ञात करना डिपेंड करता है बी की राशि पर, और बी का राशि ज्ञात करना डिपेंड करता है सी की राशि पर, और सी डिपेंड करता है अपने ऊपर, ये सुनो। तो अपन मान लेते हैं कि सी तुम्हारी राशि एक्स है, आप वो बस अनुपात लिखो ना ऐसे तो अच्छा लगेगा। पहले मतलब यहाँ पे अनुपात तो ज्ञात करने हैं आपको, समझ पा रहे हो ना, तो सी तुम्हारे को मिलते हैं X रुपये, ओके। अब बी बोले सी से मुझे 8 रुपये अधिक मिलते हैं, यस, तो तुम्हें मिलते हैं X+8 रुपये, क्लियर। और ए तुमको बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, इसमें 7 जोड़ो तो X+8 तो है ही, 8 रुपये और 7 रुपये तो 7 × 7 = 14 = 15, यानी X+15 रुपये, ये सुनो। अब बताओ बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं ना, हाँ, और ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं ना, हाँ, क्लियर। अब प्यारे मित्रों तीनों का हिस्सा मिला करके कितना है 53 रुपये, तो हम कह सकते हैं कि तीनों का हिस्सा, यानी कि ए का हिस्सा X+15 प्लस बी का हिस्सा X+8 प्लस सी का हिस्सा X, सब मिला करके 53 रुपये हो गए। अरे क्या सेट हो गया, समीकरण, एक इक्वेशन बन गई। तो सुनो
एक एक्स और एक्स दो एक्स और एक्स तीन एक्स, प्यारे मित्रों कितना हो गया, तीन एक्स हो गया। ठीक है, अपन ने एक्स एक्स और एक्स को जोड़ा तो तीन एक्स, पंद्रह और आठ कितने हो गए, तेईस बराबर तिरपन, तेईस गया उधर तिरपन में से घट गया तो तीस, तीन एक्स बराबर तीस, तीन से कट गया दस बार, एक्स का मान आ गया दस। यस नो प्यारे साथियों, अब इस अमाउंट को लेकर के यहाँ आ जाओ। अपने कहा सी तुम्हारी राशि कितनी थी, बोले आपने ही तो मानी थी एक्स। हाँ जी, हम एक्स का वैल्यू लेके आ गए हैं, एक्स का मान है दस रुपये, इसका मतलब तुम्हारी राशि है दस रुपये, क्लियर है। और बी तुम्हारी राशि, बोले इससे मेरी आठ रुपये अधिक है, अच्छा ये लो साहब अठारह रुपये तुम्हारे हो गए। तुम्हारी, बोले इससे सात रुपये और अधिक, तो इसमें सात रुपये जोड़ दो, पच्चीस रुपये, पच्चीस रुपये ना, दो पाँच सात, यस। तो अब इनको मिलने वाला धन तीनों को क्या है, पच्चीस रुपये ए को, बी को रुपये अठारह और सी को रुपये दस। तो लास्ट में क्या पूछा है, इनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा, इट्स सो इजी, 25:18:10 ये फाइनल रेशियो है इनके तीनों के हिस्से का। यस नो, चलिए तो कितना इंटरेस्टिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करें मित्रों, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक संपत्ति एक्स वाई जेड में बांटी जाती है, एक्स और वाई मिलकर 7400 रुपए पाते हैं, वाई जेड मिलकर 9500 पाते हैं, जेड एक्स मिलकर 8500 पाते हैं, वाई का हिस्सा कितना है, तीनों का अनुपात क्या है, ये दो सवाल है लास्ट में, सुनो। प्यारे मित्रों, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि विभाजन का ही मसला है, लेकिन वो भी जस्ट पिछले टाइप का जो प्रश्न था उसी के प्रकार का ये है, ठीक है। अभी तो ये चलेगा विभाजन, तो चलिए आप देखते जाइए। मित्रों आप जानते हैं कि तीन लोग हैं एक्स वाई और जेड, यस और नो, तीन लोग एक्स वाई और जेड। अब अपन को बोला गया है कि एक्स और वाई को मिला करके 7400 रुपये दिए जाते हैं, वाई और जेड को मिला करके 9500 रुपये दिए जाते हैं, जेड और एक्स को मिला, लिखा हुआ सारा देखो, जेड और एक्स को मिला करके 8500 रुपये दिए जाते हैं। अब बताओ आप कि वाई का हिस्सा कितना है। आपको सर वैसे होता ना कि एक्स वाई जेड का अनुपात दिया होता और कह रखा होता कि तीनों का जो है अमाउंट 50,000 रुपये है मिला करके, आप इन तीनों अनुपातों को जोड़ के बोलते 50,000 उसके बराबर है, अरे क्या मिल गया, सुराग। पहले मित्रों वो बात सही है बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है ना, तो अपन को इसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। एक्स और वाई को मिला करके 7400 रुपये मिलते हैं, वाई और जेड को मिला करके 9500 और जेड और एक्स को मिला करके 8500 रुपये मिलते हैं। अपन को इंडिविजुअली वाई का हिस्सा पता करना है, उसके बाद में तो तीनों का अलग अलग भी पता करना है। तो क्या करें मित्रों, एक काम करें, दिमाग लगाएं, ठीक है साथियों। यहाँ अब समझना बहुत तसली से, है ना, ये डिफरेंट है, आपको यहाँ पे नई चीज़ सोचने को मिलेगी, नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, सुनो। अपन एक काम करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं, बीच में क्या है बराबर, यहाँ पे बराबर, ये क्या है बराबर, इन सबको जोड़ते हैं, जोड़ो इन सबको, जोड़ो पहले एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, ये सुनो। अब प्यारे मित्रों इन सबको जोड़ दो, ठीक है भाई, बराबर के इधर तो वही जुड़ेंगे ना, यस। तो ये आपके 00 5 5 10 4 14 का 4 हासिल का 1 9 9 18 और 6, ठीक है, ये हो गया आपके 24, क्लियर है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे 5 होगा, हाँ जी बिल्कुल। अब प्यारे मित्रों समझो, आप सुनो, क्लियर। अब अपन ने इसको जोड़ा है तो देखो, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स। अब इस पूरे मसले में x कितनी बार आ रहा है, x एक बार और x एक बार, आप लिखोगे 2x प्लस y और y 2y प्लस जेड प्लस जेड 2z बराबर 25,400, क्लियर। आप इसमें से कॉमन ले लो, प्यारे मित्रों दो इसके साथ में भी हैं, दो इसके साथ में भी हैं, दो इसके साथ में भी, दो कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया y, यहाँ बच गया z, दैट इज 25400,
यस और नो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों क्या करना है आपको, इन समय दो कॉमन आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब आप ऐसा करो, दो से ये काट दो, कितना हो गया, ये आपके हो गया, यहाँ पे तो रह गया x प्लस वाई प्लस जेड, और ये दो से कटेगा तो 12,200, ये 12,700 रुपये। क्लियर? तो प्यारे मित्रों आपको क्या, देखो क्या मिला, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x की इनकम और y की इनकम और z की जो इनकम है या जो संपत्ति है उसका योग है 12,500। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके सहारे आप सब कुछ ज्ञात कर सकते हो। आपको पहला सवाल क्या बोला है कि y का हिस्सा, बोलो क्या, y का हिस्सा। पहले मित्रों y को कितना धन मिलेगा, आप बोलोगे कि x, y और z तीनों को मिला करके 12,700 रुपये मिलते हैं। ये मिला ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x, y और z तीनों का धन कितना बन रहा है, 12,700 रुपये। हमको क्या चाहिए, हमको बोला है y का धन कितना है। मित्रों आप यहाँ पे ध्यान दो, तो x, y और z को मिलाते हैं तो धन होता है 12,700, आपको y का धन चाहिए, तो अपन 12,700 में से x और z को घटा दें, x और z का जो धन बनता है वो इसमें से घट जाएगा, तो बच किसका जाएगा, y का। क्या आपके पास x और z का धन है, बिल्कुल है हमारे पास, ये देखो पड़ा z प्लस x का धन 8,500। अरे वाह, y का धन चाहिए, तो x और ये धन किसका है, तीनों का ही है, इसमें से x और z का धन यानी 8,500 घटा लेंगे, 8,500 घटा दो तो ये हो गया 2,042,400 रुपये। यह सुनो, ये पहले सवाल का आंसर आ गया। क्लियर? अब आप ऐसा करो, आपको तीनों का अनुपात पूछा है ना, तो ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में आप आ जाओ, ये धन x का हिस्सा, ये y का हिस्सा और ये z का हिस्सा, सब हिस्सों को इससे कंपेयर किया जाएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो कैसे करोगे आप बताओ, आपको x का धन चाहिए ना, तो प्यारे मित्रों तीनों का धन कितना है, x, y और z का, आप बोलोगे 12,700 रुपये। देखो 12,700 रुपये, भाई तीनों का धन 12,700 है, आपको तो x का चाहिए ना, तो आप ऐसा करो ना, y और z का जो धन बनता है वो तीनों में से घटा लो, y और z का 9500 है, तो आप क्या करोगे, 12,700 में से 9500 घटाओगे, तो ये आपके रह गया 3,200 रुपये, ये आपके x का हिस्सा है। क्लियर है? अब चलो y के हिस्से पे, x, y और z तीनों का हिस्सा 12,700 है, इसमें से आपको y का हिस्सा लेना है ना, तो x और z को घटा लो, x और z का हिस्सा कहाँ है, x और z का हिस्सा घटाया तो अपने y का हिस्सा आया था 4,200। ओके, अब z का हिस्सा चाहिए, ये 12,700 तो तीनों का है x, y, z का हिस्सा चाहिए, तो x और y को घटाओ, x और y का मिला करके 7,400 रुपये, तो इसमें से 7,400 घटा लो, तो ये आपके हो गया 7,400, यानी 300 और ये 5 आ गया जाएंगे, यही होगा ना 7,400, तो 300 ये 5, हाँ ठीक है। प्यारे मित्रों इस प्रकार की स्थिति है, तो ये इनका फाइनल रेशो है, यानी इसको मिलने वाला 3200, वाई को मिलेगा 4,200 और जेड को मिलेगा 5,300, 00 से 0000 कैंसिल, 32:42:53, यस और नो। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे मित्रों देखो कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। चलिए अब प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत तसल्ली से आप समझना, सुनिए। 117 रुपए को एबीसी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, कितने रुपए, 117 रुपए बांटे जाने थे 1/2, 1/3 और 1/4 में, परंतु गलती हो गई, उन्होंने 2:3:4 में बांट दिए, बांटना था इस अनुपात में, बांट दिए इस अनुपात में, इस प्रकार किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना। ठीक है, तो अपन लिखेंगे पहले और गलती से, है ना, पहले क्या होना था और गलती से क्या हो गया। पहले प्यारे मित्रों होना था ये धन जो है 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बटना था, और गलती से क्या हो गया,
दो अनुपात तीन अनुपात, ठीक है, इसमें बंट गया। अब आप इसको पहले सरल करो तो चार तिया बारह, बारह एकम बारह, चार दूनी आठ, आठ एकम आठ, तीन दूनी छः, हरों को गुणा किया और इसके अंश से तीन दूनी छः, छः एकम छः, दो से कट गया छः बार, चार बार और तीन बार। तो प्यारे मित्रों देखो, पहले तो छः चार और तीन में धन मिलना था और यहाँ पे दो तीन और चार में मिल रहा है। आपको अंतर स्पष्ट पता चल रहा है, इस आदमी को, तीसरे आदमी को सबसे कम मिलता था और आज तीसरे आदमी को सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा फायदे में कौन है? तीसरा आदमी। क्लियर? तो कैसे करेंगे तीसरे आदमी का? सी को फायदा हुआ, लाभ हुआ, सी को क्या हुआ? लाभ हुआ। और कितना हुआ? ऐसा करो, पहले उसको कितने मिलते थे और अब कितने मिलते हैं वो अंतर देख लो। क्लियर? ठीक है, ठीक है प्यारे मित्रों। देखो सी को लाभ हुआ, अच्छा सी के पहले पहले कितने मिलते थे सी को? तो आप पहले का डिस्ट्रीब्यूशन यानी तीन इकाई का मान ले आओ। ए को मिलते थे छह इकाई, छह और चार दस और तीन तेरह इकाई, तेरह इकाई टोटल धन होता था और वो 117 रुपए टोटल था। तो 117 में दिया तेरह का भाग, भाई ये टोटल धन का योग और वो एक्चुअल धन, और गुणा कर दिया तीन से तो कितना हो गया? नौ तिया 27 रुपए। ये सुनो, और अब कितना मिलता है देख लो, 117 बटे में दो और ये पांच और चार सात और नौ, अब टोटल धन है नौ इकाई जो भी है 117 और गुणा कर दिया चार से, तेर चौक 52 रुपए, है ना। तो देखो पहले मिलते थे 27 रुपए, अब मिलते हैं 52 रुपए, तो अधिक कितने मिलने लग गए? 25 रुपए। यह सुनो, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है इस प्रकार से, और जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर मैं एक नया सवाल देता हूं जो कल आपको करके आना है, जल्दी ले लो। ओके प्यारे मित्रों, यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों इस प्रकार से, तो अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग अंदाज में है, जिसको मैं कल समझाऊंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, और इससे आगे अपन कल बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत शानदार, पढ़ते रहिए, सारे नोट्स बनाते रहिए, और सारी बातें आप जो लिख रहे हो ना कमेंट में, मैं सारी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और जो जो आवश्यक है, जो जो मस्ट है, उसको मैं जो है चेंज भी करूँगा। ठीक है प्यारे मित्रों, तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, और आप कमेंट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।